एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत पूरे माह भर विविध कार्यक्रमों का आयोजन दमोह जिला मुख्यालय पर किया गया। पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत सितंबर के महीने में पूरे महीने भर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और कार्यक्रम का समापन दमोह के शासकीय पीजी कॉलेज में प्रश्नोत्तरी और सेमिनार के साथ इसका समापन किया गया। आयोजन के दौरान कॉलेज के प्राचार्य सहित अन्य लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम का समापन किया गया। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की मौजूदगी रही। रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। परियोजना के अंतर्गत एक कोर्स का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं महिला बाल विकास परियोजना के समस्त अधिकारी कर्मचारियों को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे छात्रों को इस कॉलेज को चुना कि यहाँ पर एक कोर्स कार्यक्रम हो। इसमें सर्वप्रथम परियोजना अधिकारी सुरेखा मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी के साथ मैडम शर्मा सहायक परियोजना अधिकारी और सरस्वती मैडम सभी लोगों को मैं महाविद्यालय की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और शासन की यह योजना जीरो जानो जीतो के परिप्रेक्ष्य में रखी गई है, जिसमें सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत इन तीनों संकल्पनाओं को लेकर के हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आपके बीच जो है प्रश्न बड़ी के माध्यम से जो क्वेश्चन आंसर किए गए हैं और जिन्होंने इसमें भाग लिया है, मैं उन समस्त छात्रों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने बढ़ कर हिस्सा लिया। अब आपके समक्ष जो परिणाम सामने आएंगे वो मैडम देंगे और सभी लोगों को मैं धन्यवाद जय। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है महिला बाल विकास की तरफ से 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। आज 30 सितंबर को समापन कार्यक्रम है। हम 1 से 30 सितंबर तक लगातार कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं, जिसमें पोषण रैली, प्रभात फेरी और व्यंजन मेला, पोषण परिचर्चा सभी विषयों पर हमने कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषण मठ का कार्यक्रम, व्यंजन प्रदर्शनी वगैरह भी लगाए हैं। आज इसी श्रृंखला में हमें मौका मिला, यह अवसर मिला कि हम सभी कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ इस कार्यक्रम खेल सकें। और ये केवल क्विज नहीं था, इसका एक सवाल आपके जीवन में महत्व रखता है, क्योंकि पोषण आपके जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है। जो आपकी ग्रोइंग एज है उसमें पोषण का बहुत महत्व है। जो पोषक तत्व है तो कार्बन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सारे विटामिन वो आपको स्वस्थ बनाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर आपको भविष्य के लिए पढ़ना है, आगे बढ़ना है और एक स्वस्थ समाज की स्थापना करना है, तो उसके लिए आपका सबसे पहले स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और आपने एक एक प्रश्न जो पढ़ा होगा उसमें आपको ये सब सीखने भी मिला होगा कि हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना है। हम एनेमिक ना हो तो हमें क्या खाना है, अगर हमें आयरन एब्जॉर्प्शन करना है तो कौन से विटामिन लेने हैं, और हमारी जो एज होगी जो ग्रोइंग एज उसमें बहुत अधिक महत्व होता है पोषण का। तो एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ तन मस्तिष्क का विकास होता है, जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे, देश का भविष्य की रचना कर पाएंगे। तो पोषण का बहुत महत्व है, इस कारण से 1 से 7 सितंबर तक हम पोषण माह सप्ताह मनाते थे। पोषण माह ना मना के सप्ताह के रूप में मनाते थे, लेकिन इसका महत्व को देखते हुए यह शासन पिछले सालों से पोषण माह के रूप में मना रहा है और हम 1 से 30 सितंबर तक लगातार गतिविधियाँ आयोजित करते हैं ताकि लोगों में पोषण को लेकर जागरूकता आ सके। तो जब है ना हमारा हम सभी स्वस्थ होंगे तो स्वस्थ समाज की संकल्पना को हम साकार कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा पूरा राष्ट्र स्वस्थ हो और हम आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन कर सकें। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पोषण लें और स्वस्थ बने। तो इसी आपको इसी सब इसी हम उससे आशा करते हैं कि आप इन सभी पर ट्राई भी करेंगे। इसको केवल की तरह ना लें कि ये सिर्फ प्रश्न थे, आपके लिए सीख भी थे और दूसरी
बात यह है कि हम ना जितना तो लाइफ में चलता रहता है, कौन जीती कौन सी टीम जीती ये महत्व नहीं रखता है। आप सभी ने इसमें भाग लिया और अपना इतना अच्छा सहयोग किया, वो ज़्यादा महत्व रखता है, तो आप सभी अपने लिए तालियां बजाएं। इस महाविद्यालय में जो कुछ प्रतियोगिता रखी गई और हमारे विद्यार्थियों को भागीदारी बनाया गया, निश्चित रूप से विद्यार्थियों के ज्ञान में तो यह उन्नति में सहायक होगा ही, साथ ही साथ जो पोषण के महत्व के बारे में जानकारी है वो जरूर अपने जीवन में हमें उतार सकेंगे, जो अपने आसपास का क्षेत्र है या परिवार है उसमें इस पोषण के महत्व को बता सकेंगे। क्योंकि अभी मैं एक WHO की रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें देखा मैंने कि 1000 ST बच्चे में से 50 ST के बच्चे, ST कैटेगरी के बच्चे अपना अगला जन्मदिन ही नहीं मना पाते। आशा क्या है, क्योंकि उनमें कुपोषण की बहुत ज़्यादा शिकायत है। इसके बावजूद भी चाहे WHO हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, भारत सरकार हो, महिला बाल विकास माध्यम से कई प्रकार की सुपोषण की योजना संचालित हैं, फिर भी हमारे यहाँ व्यक्तिगत खास करके नवजात शिशुओं में और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर चिंता का विषय है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी स्थिति बहुत अच्छी विकसित राष्ट्रों की स्थिति में नहीं आती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी स्वास्थ्य की सुविधा सबसे निम्न स्तर में जाती है। इसका एक मुख्य कारण होता है आहार, और आहार के प्रति जो हमारा नकारात्मक रवैया है यह भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। सुविधाओं की बात अलग है लेकिन हमारा जो नकारात्मक रवैया है वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। और अब भारत में दोहरी मार कर रहा है, गरीबी है, उनको पोषण नहीं मिल रहा है, और जो अच्छे जिनका मीडियम क्लास का परिवार है, अच्छे स्वास्थ्य परिवार है, वो फास्ट फूड की ओर जा रहे हैं तो उनको उधर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो दोनों तरह से हमारा जो युवा वर्ग का स्वास्थ्य है वो बहुत प्रभावित हो रहा है। इसलिए है आवश्यक है कि हम स्वास्थ्य की सटीक जानकारी रखें और अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ बना लें। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा राष्ट्र स्वस्थ रहेगा, हमारा राष्ट्र स्वस्थ रहेगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बीमार आदमी कोई उत्पादन का काम नहीं कर सकता है, जिसमें शक्ति होगी वही उत्पादन का काम करेगा, वही ज्ञान उपार्जन करेगा और ज्ञान प्रदान काम करने का काम करेगा। बीमार मन से कुछ नहीं हो सकता। तो स्वास्थ्य के प्रति हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ अभी आप लोगों ने देखा एक पौधा होता है पौष्टिक का, उससे थोड़ी सी बात करना जरूरी है, मोरंगा ओलिवेरा जिसको हम सहजन कहते हैं, यह इसको एक बूस्टर है प्रोटीन का, इसका उपयोग हमारे यहाँ बहुत कम करते हैं। इसकी पत्तियाँ हम आज के डेट में देखेंगे तो अमेजोन पर इसकी पत्तियों का पाउडर बिकता है। कार्यक्रम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो सुपोषण से संबंधित कार्यक्रम है। जैसे अभी हम सभी जानते हैं कि यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो शरीर स्वस्थ में स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिक विकास होता है। हमारा शरीर जो अस्वस्थ होगा तो हमारा मानसिक विकास नहीं हो सकता, हम उतना काम नहीं कर सकते हैं, अच्छी तरह से नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानकारी हासिल करके और हम अपने आप को सुपोषित बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी जो थीम है आपने देखा होगा सुपोषित भारत, जब पूरा का पूरा देश हमारा सुपोषित होगा, कुपोषण मुक्त होगा, तो निश्चित रूप से सभी का जो मानसिक विकास वो अच्छी तरह से होगा। जब मानसिक विकास अच्छी तरह से होगा तो सब लोग अच्छी तरह से साक्षर होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, ज्ञानार्जन करेंगे, और ज्ञानार्जन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भारत, हमारा समाज, हमारा देश, हम स्वयं सशक्त होंगे। और इसी कार्यक्रम इसी श्रृंखला में ये जो कार्यक्रम महिला बाल विकास विभाग द्वारा किया गया है ये बहुत ही अच्छी पहल है, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के क्विज के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से इसमें दोहरी आपको लक्ष्य दिया गया है। क्विज के माध्यम से प्रश्न पूछे गए हैं, ये केवल जीत और हार का प्रश्न नहीं है, ये पोषण से संबंधित प्रश्न होंगे, उससे जानकारी आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और ये जानकारी आपको तो प्राप्त करना ही है। इस जानकारी को हमें अपने परिवार में, हमें अपने समाज में जाकर के बताना है कि कौन सी चीज़ हमें क्या उपयोगी है, शरीर के लिए क्या उपयोगी है, जिनको हम इग्नोर करते हैं, जिनको हम लेते नहीं हैं, जिनको हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को आपने जाना होगा, समझा होगा और ज्ञान अर्जित किया होगा। आप स्वयं ज्ञानवान होते हुए अपने परिवार को, समाज को ज्ञान लाभ देवें, इसी कामना के साथ अपनी बात